बिहार में जेडीयू विधान परिषद राधाचरण सेठ को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने बालू सिंडिकेट और भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में शनिवार को बड़ी कार्रवाई की है। प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार में बालू सिंडिकेट से जुड़े और दो लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों बालू कारोबारी आदित्य मल्टीकॉम से जुड़े हुए हैं। गिरफ्तार बालू कारोबारियों में आदित्य मल्टीकॉम के निदेशक समूह के अधिकारी जगनारायण सिंह और सतीश कुमार हैं। इधर अब इस मामले में गिरफ्तारी की तलवार झारखंड के बालू कारोबारियों पर भी लटक रही है। बताएं आपको कि जगनारायण सिंह के बालू पार्टनर सुरेंद्र जिंदल की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा पुंज सिंह, मिथिलेश सिंह, रितेश शर्मा के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी है। धनबाद निवासी बालू कारोबारी पुंज सिंह को कल पूछताछ के लिए ईडी ने पटना बुलाया है। वहीं सुरेंद्र जिंदल और मिथिलेश सिंह को भी जल्द बुलाने की तैयारी है। बताएं कि जून में ईडी झारखंड बिहार के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, तो ईडी की कार्रवाई से अब झारखंड के बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। धनबाद निवासी बालू कारोबारी पुंज सिंह को कल पूछताछ के लिए पटना बुलाया गया है। मिथिलेश सिंह, रितेश शर्मा, सुरेंद्र जिंदल के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुरेंद्र जिंदल, मिथिलेश सिंह, रितेश शर्मा से भी जल्द ही पूछताछ हो सकती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।